हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज पर पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ सकता खतरा। नई दिल्ली, भारत में कोरोना का कहर जारी है और इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में पहुंच गया है। कई महानगरों में इसका असर बढ़ता जा रहा है। बताया गया है कि अब तक के अधिकांश ओमिक्रॉन के मामले बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले हैं। अस्पताल में भर्ती होने और आईसीयू के मामले मौजूदा लहर में बढ़ गए हैं और खतरे का स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दरअसल न्यूज एजेंसी ने स्वास्थ्य मंत्रालय की संस्था के हवाले से आंकड़े पेश करते हुए बताया कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन कई महानगरों में प्रभावी हो गया है और कई शहरों में संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही अब यह बताया गया है कि ओमिक्रॉन का संक्रामक सब वेरिएंट क्रश दो भी देश में मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और यहां पर तेजी से मामले सामने आने की संभावना है। यह भी बताया गया है कि अब बाहर से आए व्यक्ति से संक्रमित होने वाले मामले की बजाय आंतरिक संक्रमण के मामले सामने आएंगे। इसके साथ यह भी कहा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कम्युनिटी स्प्रेड से बचने के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार, मास्क, सैनिटाइजेशन के अलावा टीकाकरण प्रमुख हथियार है और इसका पालन आवश्यक है। भारत में अपनी तरह की यह पहली स्टडी है जो कि ओमिक्रॉन से कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर की गई है। इसमें संक्रमित लोगों के जीनोम सीक्वेंसिंग के डेटा का अध्ययन किया गया है, जिसमें दिल्ली के 5 जिले दक्षिण दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली शामिल है। यह आंकड़े 25 नवंबर से 23 नवंबर के बीच के हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमित लोगों ने 13% लोगों में अलग लक्षण देखने को मिले हैं। इन लोगों की सूंघने की क्षमता, स्वाद में कमी देखने को मिली है, जबकि 80% लोगों में गले की समस्या सामान्य लक्षण है। इन सबके बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को टीका लगवाने और कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप ओमिक्रॉन से उबर चुके हैं, इसके बाद भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। जागरूक टीवी के लिए नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।